किसान सम्मान निधि का पैसा अपने यहाँ पर कोई हिसाब लगा है कितने किसानों के नहीं पहुँचा, ऐसी स्थिति है कि नहीं है? मैं तो चाहता हूँ, तो मेरे सामने जो काफी एप्लीकेशन आती है कि किसान सम्मान निधि का पैसा हमारे पास तो नहीं आ रहा है, और राज्य का जो जहाँ पोर्टल है वहाँ पर ट्रेंडिंग अभी आप है ना वो कैंप चलाओ ना, जो गोपाल नाम से एप्लीकेशन मिलते या जैसा भी आप चाहिए, और उसको अगर आप उसका एक परफॉर्मा फिक्स बना दो, प्रिंटेड में तो क्या अलग है, किसान क्या करेगा, वो कोई कोई लैंग्वेज का कहीं कोई ले जाएगा, तो प्रिंटेड परफॉर्म होगा उसमें जो अपन डिमांड मांग रहे हैं वो सारी मतलब उसे आधार होना चाहिए, तो आधार ज़्यादा उसमें मिलने कोई है नहीं, किसान मिल जाए ऐसा नहीं चाह रहा, क्योंकि इससे ये हो रहा है कि किसान के एक घर में कम से कम तो नहीं 40,000 चल रहा है, हम चार महीने कर सकते क्योंकि उनके गरीब के खाते में नाम अगर उसने दबा दिया है सर। आज जो मीटिंग्स थी काफ़ी आपने 6-7 घंटे काफ़ी अधिकारियों के साथ लगाई, तो जिस तरीके की योजनाओं की प्रगति है क्या आपसे खुश है या क्या लगता है कि सरकार के अधिकारी कुछ कामकाज नहीं कर रहे? भारत सरकार की जो महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है उनकी दिशा की मीटिंग के अंदर आज चर्चा की गई अधिकारियों के साथ में और हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ में, और उस बैठक के अंदर जैसा कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से और जिन्होंने काम समय पर नहीं किया ऐसे कई मुद्दे आए, पानी की समस्या थी, लाइट की समस्या थी, और जिस तरह से यहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है तो उनको लेकर काफ़ी मुद्दे हुए, जिस पर मैंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो प्रधानमंत्री जी की योजना है उनको ईमानदारी के साथ में करें, और भ्रष्टाचार जिस तरह से हो रहा है वो भ्रष्टाचार बंद करें, सड़कों के जो बनाए हैं और वो सड़कें जो आज से 6 महीने पहले बनी वो सड़कें भी टूट गई, तो ऐसी स्थिति में मैंने उन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस तरह से अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो इस तरह से काम आगे नहीं चलेगा, क्योंकि जनता का पैसा है और जनता के काम आना चाहिए, भ्रष्टाचार के लिए पैसा नहीं दिया जाता है, तो इस तरह से मैंने अधिकारियों को कहा है, और मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय के अंदर इसका असर भी दिखेगा, और यहाँ पे जो दिशा की मीटिंग थी उसके अंदर सभी प्रतिनिधि सदस्य थे, उन्होंने भी अपने विषय रखे थे, और मैं सोचता हूँ कि आज की बैठक के बाद में जो हमारा बाड़मेर जिला विकास की दृष्टि से पीछे रह रहा है तो उसको भी 4 चांद लगेंगे और काम भी होगा, और जो समय पर काम करना है यही मैंने निर्देशित किया है। काफ़ी जगह आपने देखा कि बीजेपी के जो प्रतिनिधि है उनका कामकाज नहीं हो रहा, इस तरीके की शिकायत है, ये अपने आप में कितना आपको क्या लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है कि मतलब बीजेपी का कोई प्रधान है तो उसका काम नहीं होता, इस तरीके की भी शिकायतें? आज मैंने उनको मेरी भाषा में समझा दिया है
और उनको कह दिया कि भेदभाव की नीति को छोड़ें, राजनीति करने के लिए हम लोग हैं, आप अपना काम करें। अधिकारियों को मैंने स्पष्ट कह दिया है आपको किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है, और अगर भेदभाव करेंगे तो इसका परिणाम आगे जाकर आपको ही भुगतना पड़ेगा। तो इस दृष्टि से मैं सोचता हूँ कि राजस्थान में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में भेदभाव किया जाता है और विकास के अंदर भी जिस तरह से भेदभाव किया जाता है, तो ये एक राजस्थान के अंदर इस बार का ऐसा एक कल्चर बन चुका है कि विकास के अंदर जो प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं सबका साथ और सबका विकास, और कांग्रेस कहती है कि हमारा और हमारे परिवार का विकास। तो कांग्रेस तो अपने परिवार के विकास करने में लगी हुई है और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अपना पेट भरने में और अपना घर भरने में लगे हुए हैं, उनके नेता भी इसी काम में लगे हुए हैं। भ्रष्टाचार का पूरे प्रदेश के अंदर आलम है, लेकिन मोदी जी की जो योजना है वो सबके लिए है। और प्रधानमंत्री जी ने इस बार कहा भी है कि देश को आगे बढ़ाना है तो सबके साथ की आवश्यकता है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी से हम आगे बढ़ेंगे। तो मोदी जी की सरकार है वो देश को आगे बढ़ाने में लगी हुई है, और वहीं पर राजस्थान और कांग्रेस के जो प्रदेश में जहाँ भी सरकार है वो लोग भ्रष्टाचार करके और अपने देश को लूटने में लगे हुए हैं। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि आप जिस इलाके से आते हैं वहाँ पर इस बार बारिश नहीं हुई, कल आपने ट्वीट भी किया है सरकार से मांग की, क्यों ज़रूरत है और क्या ज़मीनी हालात है, किसान किस तरीके की बात बयां कर रहे हैं? ये सही है कि बाड़मेर जिले के अंदर और पश्चिमी राजस्थान के अंदर, राजस्थान के काफ़ी हिस्से के अंदर अकाल की स्थिति बनी हुई है, और इसको लेकर मैंने राज्य सरकार को कहा है कि तुरंत प्रभाव से गिरदावरी रिपोर्ट बनाकर और जितना नुकसान हुआ उसका आकलन करके भारत सरकार को भेजें, ताकि हम तुरंत प्रभाव से उन किसानों को राहत दे सकें, क्योंकि इस समय पानी की भी समस्या है और ये इस समय में क्लेम की भी किसान को समय पर मिले। इस दृष्टि से मैं स्वयं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर स्थिति को देखा, आंकड़े और इसका जायज़ा भी लिया, कई किसानों के खेत में भी गया, तो वास्तव में स्थिति जिस तरह से बनी है तो उनको तुरंत लाभ मिले, इस दृष्टि से मैंने राज्य सरकार को कहा है, और जल्दी ही हम किसानों को राहत देने की कोशिश करेंगे और निश्चित रूप से उनको राहत मिलेगी और क्लेम भी समय पर मिलेगा। लेकिन इसके लिए राज्य सरकार को समय पर गिरदावरी रिपोर्ट बनाकर भारत सरकार को भेजना होगा। लेकिन मेरा इतना सोचना है कि जहाँ भारत सरकार इतना प्रयास करे लेकिन उसके बावजूद राजस्थान सरकार समय पर ये रिपोर्ट नहीं भेजेगी मुझे, क्योंकि उनके काम का और प्रदेश के अंदर जिस तरह से रवैया बना हुआ है भ्रष्टाचार, सिर्फ अशोक जी गहलोत है तो अपनी सरकार को बचाने में लगे हुए हैं, नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है, और वो जो एक कह सकते हैं कि सचिन पायलट जी वो अपनी मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में लगे हुए हैं, वहाँ पर उनके गुटबाजी है, और जिस तरह से अशोक जी गहलोत अपनी सरकार को बचाने में लगे हुए हैं, और किस्सा कुर्सी का फिल्म आपने देखी होगी, ये किस्सा कुर्सी का राजस्थान में चल रहा है। यहाँ राजस्थान को किसी को कोई जनता से सरोकार नहीं है, जो उनके वादे किए थे, चाहे किसानों से वादे किए हो चाहे युवाओं से वादे किए, वो कोई पूरे नहीं किए जा रहे, सिर्फ इनके मंत्री हैं वो लूट मचा रखी है, और उनके अब तो विधायक भी उसके अंदर होड़ में लगे हुए हैं, होड़ इस बात की लगा रखी है राजस्थान में कि इन आने वाले 1.5-2 साल जो बचे हैं उसमें हम राजस्थान की जनता का कितना पैसा लूटकर अपने तिजोरी में डाल सकें। इस तरह का आलम मैंने कभी मेरे राजनीतिक जीवन में नहीं देखा, मेरे जीवन में नहीं देखा, जितनी लूट इस बार राजस्थान के प्रदेश में विधायक कांग्रेस के और उनके मंत्री लूट रहे हैं, जनता का पैसा खाकर अपना घर भरने का काम कर रहे हैं। सर, हवाई सेवा को लेकर इस बार मंत्रालय चेंज हो गया है, बाड़मेर के लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं, क्या कुछ अपडेट हुआ है या फाइल वहीं अटकी है? ऐसा है कि राजस्थान के बाड़मेर जिला जो पश्चिमी राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है और यहाँ पर हवाई कनेक्टिविटी की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर तेल का भी दोहन होता है, यहाँ पर रिफाइनरी भी स्थापित हो रही है एयर इंडिया के द्वारा, यहाँ पर कुएं भी तैयार हो चुके हैं, और कई हमारे व्यापारी हैं यहाँ के जो अन्य प्रदेशों के अंदर रहते हैं, उनका आवागमन को देखकर मैंने भारत सरकार के मंत्री जी से आवेदन आग्रह किया है, और वहाँ से प्रपोजल चल के राजस्थान सरकार से ज़मीन अलॉटमेंट के लिए भी प्रस्ताव आया, और राजस्थान की सरकार यहाँ से राजस्थान से या बाड़मेर से कलेक्टर के द्वारा उसका स्वीकृति जारी हो गई है, और जल्दी टेंडर होगा, और टेंडर होने के बाद में यहाँ पर उतरलाई के अंदर जो टर्मिनल है वो तैयार हो जाएगा। बहुत जल्दी हम यहाँ पर हवाई सेवा का लाभ ले पाएंगे, और निश्चित रूप से हवाई सेवा है जो बाड़मेर से देश के विभिन्न कोनों के अंदर जाएगी, और इस यात्रा का आनंद सभी लेंगे। जी, एक सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान से एक नाबालिग यहाँ पर आया था, उसकी रिहाई भारत सरकार कर रही है,
बाड़मेर का एक गैमरा राम करके है, वो पिछले 6 माह से पाकिस्तान की जेल के अंदर, उसको लेकर क्या प्रयास हो रहे हैं कि उसको कब तक रिहाई की? ऐसा है कि अगर ऐसा कोई विषय है तो उसको निश्चित रूप से कार्रवाई करके और जहाँ तक संभव होगा मैं प्रयास करूँगा कि वो जो वहाँ पर उसके साथ अगर अन्याय हो रहा है तो उसको लेकर मैं पत्र व्यवहार करके और वहाँ के एम्बेसी से में बात करके और वहाँ के विदेश मंत्रालय से बात करके कि उसको किस तरह से राहत मिले, इस दृष्टि से मैं स्वयं प्रयास करूँगा। केंद्र की राजनीति देखते हुए अफगानिस्तान के जो हाल है, जो अफगानिस्तान में हमारे लोग उसको लेकर आपके क्या? ऐसा है कि अफगानिस्तान के हालात तो हम सब देख रहे हैं, जिस तरह से वहाँ पर तालिबान के अंदर क्रूरता का आलम हम देख रहे हैं, जिस तरह से घटनाएं हो रही है, आदमी वहाँ रहना उस जगह कोई पसंद नहीं कर रहा है, वहाँ से भाग रहे हैं। पर ऐसी स्थिति में भारत ने सबसे पहले संज्ञान लेते हुए और भारत सरकार ने यहाँ से फ्लाइट भी भेजी और एयर इंडिया के माध्यम से वहाँ से हमारे यात्रियों को सुरक्षित लाने का काम अगर किया, और सबसे पहले अगर कोई प्लेन पहुँचा तो वो भी इंडिया का पहुँचा, भारत का पहुँचा है। और मैं सोचता हूँ कि भारत सरकार लगातार प्रयास करके जो भी वहाँ पर ऐसे विषय आ रहे हैं जिनको तुरंत आने की आवश्यकता है, तो भारत सरकार निश्चित रूप से उसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रही है, विदेश मंत्रालय पूरा मॉनिटरिंग कर रहा है, हमारे PMO भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। और मैं सोचता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व के अंदर किसी आदमी के साथ में न तो अन्याय हो सकता है और न इस तरह से कोई फंसा हुआ है तो उसको वहाँ पर अपने हाल पर छोड़ा जाएगा, जो भी होगा उसके लिए भारत सरकार निश्चित रूप से प्रयास करेगी। सर, आप जिस इलाके से आते हैं वहाँ पर आज एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया, जैसलमेर में तालिबानी क्लब बन गया, जो वहाँ के मंत्री है उनके भांजे ने मनाकर क्रिकेट की ट्रॉफी खेली, ये अपने आप में कितनी शर्मिंदगी की बात है। दुर्भाग्य, इस देश के अंदर ऐसे लोग भी बैठे हैं जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं, तालिबानी समर्थक हैं, ये इनके अब ज़्यादा दिन नहीं हैं, इनके दिन लदने वाले हैं, क्योंकि ये तालिबान समर्थित और तालिबान के लोग हैं, उनको तो आपने देखा होगा कि उनका किस तरह का वहाँ पर व्यवहार किया जा रहा है। अगर वो लोग इस तरह की बात करते हैं और यहाँ पर तालिबान का समर्थन करने वालों के लिए इस देश के अंदर कोई स्थान नहीं है। थैंक यू।